Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Today we start with chapter number 3. Chapter number 3 name is fiber to fabric. Fiber से fabric हम कैसे बनाते हैं, ये सारे process हम इसमें discuss करेंगे, study करेंगे. What will you learn in this chapter? You will learn about fibers. Fibers के बारे में आप सीखेंगे. Obtained from animals, animals से जो obtain किए जाते हैं, wool, जो ऊन है जिसको ऊन कहते हैं हम हिंदी में, its types and properties, उसके types और properties के बारे में हम discuss करेंगे. Silk processing and properties, silk की processing और properties के बारे में. And health hazards, health की जो problem होती है related to wool and silk industries, जो health की problem होती है जो लोग वहाँ पर काम करते हैं wool और silk industry में, उनको क्या क्या problem होती है, ये सब points हम इस chapter में discuss करेंगे. Now start with introduction. Introduction क्या है? In class 6 you have learned about some fibers. आप क्लास 6 में कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं. यू हैव ऑल्सो लर्न्ड दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये भी आप सीख चुके हैं. वूल और सिल्क जो फाइबर्स हैं वो हमें जानवरों से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप और याक, तो वूल हमें कहाँ से मिलती है, भेड़ों के बाल से या याक से. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ, जो सिल्क फाइबर हमें मिलता है वो मिलता है हमें जो सिल्क कीड़ा होता है उसके कुकून से, उसके कुकून होते हैं उनसे हमें वो मिलता है. डू यू नो Which part of the sheep's body yields fibers? क्या आप जानते हैं कि कौन सा भाग जो शीप की बॉडी का हम उसे यूज़ करते हैं फाइबर्स के लिए? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn? आप अवेयर हैं इसके बारे में, क्या आप जानते हैं कैसे ये फाइबर्स कन्वर्ट होते हैं वूलन यार्न में, मतलब ऊन के धागे में. दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर्स, जो हम बाजार से खरीदते हैं स्वेटर बनाने के लिए ऊन को, वो कहाँ से बनती है. डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई इसका आइडिया है, हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क, सिल्क फाइबर कैसे सिल्क में चेंज होते हैं. How is woven into sarees? कैसे इसकी साड़ियाँ बनाई जाती हैं. In this chapter we shall try to find answer to these questions. इस chapter में हम इन questions के answer find करने की कोशिश करेंगे. Now wool, the animal fiber. Animal से हमें wool प्राप्त होती है, मिलती है. Wool bearing animals. वूल इज़ द कॉमन नेम, वूल कॉमन शब्द है, नाम है. अप्लाइड टू सॉफ्ट कर्ली फाइबर्स, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं ये, कर्ली होते हैं फाइबर्स. ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द फ्लीस ऑफ डोमेस्टिकेटेड शीप, जो पालतू जानवर हैं शीप उसके बालों से हम फाइबर जो प्राप्त करते हैं या लेते हैं वो होती है वूल, जिसको हम ऊन कहते हैं. द अदर वूल बियरिंग एनिमल्स, दूसरे और जिनसे वूल प्राप्त होती है वो कौन कौन से जानवर हैं. याक रियर्ड इन तिब्बत एंड लद्दाख, ये तिब्बत और लद्दाख में मिलते हैं. अंगोरा गोट्स एंड शीप रियर्ड इन कश्मीर, अंगोरा गोट होती हैं बकरी और शीप जो कि कश्मीर में होती हैं. कैमल्स रियर्ड इन राजस्थान, राजस्थान में होते हैं ऊंट. लेमा
एप्ले का विकुना रियर्ड इन साउथ अमेरिका, ये अलग अलग टाइप के हैं। अंगोरा रेबिट्स रियर्ड इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। अंगोरा रेबिट्स जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होते हैं। अंगोरा शीप गोट, अंगोरा गोट, याक, लेमा, वेकुना, केमल, एप्लेका, अंगोरा रेबिट, दीज आर द वूल प्रोवाइडेड एनिमल्स जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, वूल की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं। फील द हेयर ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी पर आप फील करिए, महसूस करिए हेयर जो बाल हैं, सच एज हेड जैसे सिर पर हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी और जो बॉडी में रेस्ट पर जो भी हैं हेयर। यू विल नोटिस दैट द हेयर ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी आर वेरी सॉफ्ट, आप नोटिस करेंगे कि जो हेयर आपकी बॉडी पर रेस्ट हैं हेड से आर वेरी सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट हैं एज कंपेयर टू द हेयर ऑन हेड और द आर्म्स, जब हम कंपेयर करते हैं उनको हमारे सिर के बालों से या हमारे हाथ के बालों से, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि वो वेरी सॉफ्ट हैं कंपेरिजन टू हेड। मच द सेम वे द हेयरी स्किन ऑफ ए शिप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मच सेम वे हमारी तरह ही हेयरी स्किन जो होती है शीप की, शीप होती है भेड़, टू टाइप्स के फाइबर्स वहाँ से हमें मिलते हैं। दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, फ्लीस का मतलब होता है जो उसके बालों से बनता है। फर्स्ट वन है द कोर्स रफ हेयर, कॉमनली कॉल्ड बियर्ड हेयर और केम, जो रफ हेयर हैं या उनको कोर्स, उनको कॉमनली लेम लिया जाता है उनका, बियर्ड हेयर या केम। सेकंड वन है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन ऑफ द शीप, शीप के अंदर रहते हैं जो क्लोज, कॉमनली कॉल्ड वूल, उनको ही हम जो सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं शीप की स्किन के ऊपर, उनको हम वूल कहते हैं। कैसे बनती है ये वीडियो? द वूल फाइबर हैज स्केल्स विच ओवरलेप द सिंगल्स ऑन द रूफ, जब वूल फाइबर्स को हम प्राप्त कर लेते हैं और उसको रूफ पर ओवरलेप करके उसको सुखाया जाता है। फर्दर मोर इट इज क्रिम्पल्ड एंड इन सम केसेस हैज मोर देन 8 बेंड्स पर सेंटीमीटर, इसको क्रिम्प किया जाता है, क्रिम्पल्ड कर लिया जाता है कुछ केसेस में, और इसमें 8 बेंड से ज़्यादा पर सेंटीमीटर होते हैं। द नंबर ऑफ क्रिम्प्स, जो क्रिम्प्स की संख्या है पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर कितने क्रिम्प होंगे, डिटरमाइंस फिटनेस ऑफ वूल फाइबर, उतना ही अच्छा वूल फाइबर हमें प्राप्त होगा। ए फाइन वूल लाइक मेरिनो मे हैव मोर देन 40 क्रिम्प्स पर सेंटीमीटर, जो फाइन वूल होता है वो मेरिनो की तरह होता है, लाइक मेरिनो, जिसके अंदर 40 क्रिम्प से ज़्यादा होते हैं एक सेंटीमीटर में। एक सेंटीमीटर आप जानते हैं, स्केल में आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्या होता है। केम्प और बियर्ड हेयर बाय कॉन्ट्रास्ट हैज लिटिल इफ एनी स्केल्स एंड नो क्रिम्प, और उसमें स्केल्स या क्रिम्प नहीं पाए जाते हैं। दे हैव लिटिल एबिलिटी टू बाइंड इन टू यार्न, इनमें थोड़ी ही एबिलिटी होती है यार्न में कन्वर्ट करने के लिए, यार्न में बाइंड करने के लिए।
द रिलेटिव अमाउंट ऑफ केम टू वूल, जब हम केम का अमाउंट होता है रिलेटिव वूल से उसको रिलेट करते हैं, वरीज वो वेरी करता है फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड, मतलब अलग अलग प्रजाति की भेड़ मिलती हैं उनसे अलग अलग वेरी करता है वो। दिस मेक्स सम फ्लीसेस, ये बनाता है कुछ फ्लीस मोर डिज़ायरेबल फॉर स्पिनिंग और कार्डिंग। ये फ्लीस जो बनाई जाती है ये ज़्यादा अच्छी होती है, डिज़ायरेबल होती है स्पिनिंग और कार्डिंग के लिए। थैंक यू।